नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज। शुरू करते हैं आज की वीडियो बड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। अच्छी खबर ये है कि कोरोना के रिकवरी रेट में मिले 60% तक की बढ़ोतरी। भारत में देखें तो 648,315 केसेस कुल हैं, जिनमें 394,227 रिकवरी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देखें तो 22,771 नए केस मिले हैं, जिनमें 14,335 केसेस की हो चुकी है रिकवरी और 442 लोग की हुई है कोरोना से मौत। वहीं बिहार में 483 नए कोरोना केस पाए गए हैं, जिसमें 194 केसेस की हो चुकी है रिकवरी। एक नजर डालते हैं बिहार में बदलते मौसम की ओर। बिहार में हुई जोर शोर से मूसलाधार बारिश, आशंका है कि एक दो दिन तक चल सकती है। और ये भी आ रही है कि दिल्ली की जामा मस्जिद आम लोगों के लिए आज से खुलेगी। आइए एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख घटनाओं पर। दिल्ली दंगों के दौरान 25 साल का इमरान खान की हत्या में मामले दायर चार्जशीट के बीजेपी नेता ब्रिज मोहन शर्मा का नाम आया। ब्रिज मोहन को 28 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है। इन चुनौतियों का स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। उनके आदर्श से हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। लद्दाख में पीएम मोदी ने पहनी थी विशेष निशान वाली कैप। पीएम ने चीन के नाम लिए बगैर कहा था कि विस्तारवादी ताकत तो या तो मिट गई है या वापस जाने पर मजबूर हो गई है। यह कैप 14वीं कोर यानी कि फायर एंड फ्यूरी की थी, जो LAC पर निगरानी रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अचानक लद्दाख पहुंचे, इससे हैरान हो चुके मीडिया एवं देश के कई लोग हुए हैरान। साथ ही साथ पीएम मोदी उन जवानों से मिले जो गलवान घाटी पर चीन और भारत के बीच हुई झड़प में घायल हो चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने जवानों को बढ़ाया हौसला कि उनके शौर्य की चर्चा आज हर तरफ है और उनके साहसी कारनामों से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसी दौरान अस्पताल में जवानों को भारत माता की जय के नारे के साथ मोदी वहां पर। बात करते हैं फायर एंड फ्यूरी कोर की, तो यह एक कोर है जो चीन के साथ साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी निगरानी रखती है। एक नजर डालते हैं कानपुर के गैंग शीटर विकास दुबे की ओर। कानपुर में गुरुवार देर रात विकास दुबे ने गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिस अधीक्षक के समेत 8 पुलिसकर्मी हो गए शहीद। जांच में जुटी पुलिस ने कई हैरान करने वाले तथ्य लग रहे हैं। विकास दुबे के साथ थी पुलिस के हर मूवमेंट की खबर। कॉल डिटेल्स में कई पुलिस वालों का नंबर सामने आया। गैंगस्टर विकास दुबे के मां ने कहा कि उसे पकड़ो और फिर उसे इनकाउंटर कर दो। पैसे बचत करने के दो मसले सामने आ रहे हैं। पहला है PPF और दूसरा है ELSS। दोनों में कौन है बेहतर जानते हैं एक नजर इस पे। बात करते हैं PPF की, तो PPF में अगर आप 1.5 लाख तक की किसी भी वित्तीय वर्ष में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही आप उसको राशि उस राशि को जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन के साथ टैक्स फ्री होगा। वहीं ELSS एक म्यूचुअल फंड है जिसमें इक्विटी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जुड़े होते हैं। ELSS में भी 1.5 लाख तक का निवेश टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप 1 लाख से अधिक का कैपिटल गेंस करते हैं तो उस पर आपको 10% देने होंगे टैक्स। बड़ी खबर राम मंदिर के निर्माण से जुड़े मसले से आ रही है कि राम मंदिर के निर्माण के संबंध में 18 जुलाई को अयोध्या के राम मंदिर न्याय के बैठक होगी। राम मंदिर न्याय अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम के देख रेख में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गठित किया गया है। इसकी शुरुआत प्रधान नरेंद्र मोदी का आदेश के साथ होगी शुरू। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु देश का दूसरा बड़ा राज्य बना जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है। तमिलनाडु में 4,329 नए केसेस आए, जिसमें अब कुल मामले की संख्या बढ़कर हो चुकी है 1,02,721। कोरोना संक्रमण केसेस बढ़ने के साथ साथ मास्क का उपयोग भी बढ़ रहा है। इसी दौर में महाराष्ट्र के पुणे के एक व्यक्ति ने बनाया सोने का मास्क, इसकी कीमत जानकर आप रह जाएंगे हैरान।
दरअसल गोल्डन मैन नामक मशहूर शंकर पुराके ने कोरोना के बचाव के लिए सोने का मास्क बनाया। वो सोने के गहनों के बहुत ही शौकीन है और इस मास्क का कीमत लगभग 3 लाख बताया जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हो सकती है आज मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने दिया रेड अलर्ट। वहीं आज हजारों छात्रों की सफल इंतजार हुआ समाप्त। मध्य प्रदेश बोर्ड ने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट किया घोषित 12 बजे। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट के नाम। नोएडा से खबर आ रही है कि आम की कीमतों को लेकर हुआ झगड़ा, सिक्योरिटी गार्ड ने फल विक्रेता को मार दी गोली। बड़ी खबर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से जुड़ी आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व मुख्य चयनकर्ता इज़माम उल हक ने दावा किया कि 2019 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान खिलाड़ियों में असुरक्षा का माहौल था। उन्हें यह भी कहा कि सरफराज अहमद को तुरंत कप्तानी से हटाने के बजाय उसे और समय दिया जाना चाहिए था। इज़माम ने कहा कि कप्तान को समय दिए जाने की जरूरत है ताकि वो अनुभव के साथ और बेहतर हो सके। दिल्ली में बने देश के सबसे बड़ी कोविड केयर सेंटर, अलग अलग वार्ड्स के नाम गलवान हिंसा के शहीद पर रखे जाएंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को इस संबंध में बड़ी घोषणा की और कहा कि यह फैसला पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों के सम्मान देने के तहत लिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने IIT JEE Mains और NEET की परीक्षा की डेट की स्थगित। नए परीक्षा के तारीख सितंबर में रखे गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने शुक्रवार को बताया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। फिलहाल भारत चीन के ताल्लुकात सही नहीं लग रहे हैं। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि UPMRSC ने तकनीकी खामियों के चलते कानपुर आगरा मेट्रो के लिए चीनी कंपनियों की निविदता को कर दिया खारिज। अमेरिका में NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में खिलाड़ियों की कोरोना पॉजिटिव के केस में हो रही है बढ़ोतरी। 9 और कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी पाए गए। कुल कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों की संख्या हो गई है 25। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, जल्द ही मिलेंगे ताजी खबरों के साथ। जय भारत। इन ताजी खबरों के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियोस को करें लाइक शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।